ऑल राइट फ्रेंड्स, तो हम लोग इधर साउथ बॉम्बे में हैं, मोहम्मद अली रोड पे, और मैं आया हूँ मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकू परफ्यूम स्टोर पे। एंड इस पर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, कुछ हमने सिलेक्ट किए हैं वो भी बताऊंगा, एंड उसका रिव्यू भी हम आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर करेंगे। सो आप देखिए कि क्या ये शॉप है और इसमें किस प्रकार से अदर्स अरेंज है। ये है मिस्टर तौफीक साहब, हमारे जैसे परफ्यूम के शौकीन लोगों को एंटरटेन करते हुए और उनको हेल्प करते हुए परफ्यूम समझने में, अतर समझने में और अलग अलग अतर दिखाने में जो इनकी मेहनत है वो मैंने आज देखी। तो अब हम इनसे थोड़ा सवाल जवाब करेंगे। सो तौसीफ साहब, हमको ये बताइए कि आप इस प्रोफेशन में कितने समय से? सर, इस प्रोफेशन में तो मैं 10 to 12 ईयर्स हो चुके हैं मुझे इस प्रोफेशन में। वैसे मेरे फादर भी यहाँ पे एसमोदी में ही अकाउंट्स डिपार्टमेंट में थे, तो हमारी जनरेशन टू जनरेशन यहाँ पे चलते आ रहा है, तो वर्क और काम वगैरह तो मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ जी। सेल्स मैं यहाँ पे 10-12 साल से इसी काउंटर पर कर रहा हूँ। अच्छा, ओके। और इन जो 10-12 साल में जो आपने ऑब्जर्व किया है, तो पहले के मुकाबले क्या अब रूह जो अतर होते हैं या जो नेचुरल अतर होते हैं, कन्नौजी अतर जिसको कहा जाता है, उसकी सेल में इजाफा हुआ है या कमी आई है? सर, पिछले 2-4 सालों से जैसे व्लॉगर्स है, आप जैसे व्लॉगर्स है, परफ्यूम गुरु निखिल सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को इसके बारे में जागरूक, आप जैसे लोगों ने ही किया है। वैसे ये तो एक डाइंग आर्ट था, ये आर्ट जो था एक शेल्फ पे रह गया था, पीछे लोग इसके बारे में जानते ही नहीं थे, और जो जानते थे सिर्फ वही लोग लेके जाते। पर पिछले तो लॉकडाउन के बाद से आप लोगों ने जब व्लॉगिंग स्टार्ट किया, काम शुरू किया, तो बहुत अच्छा फीडबैक मिला है लोगों, लोग इसके बारे में जागरूक होकर आते हमारे पास में, और जब आते तो वो सैटिस्फाइड ही जाते हैं, उनको बहुत नया चीज़ें अच्छी चीज़ें
देखने को मिलती है। और ये सब चीज़ें जो है सर एक ट्रेडिशनल है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, ओरिएंटल आता है जिसको अरब बोलते हैं या इंटरनेशनल मार्केट में फ्रेंच मार्केट में ओरिएंटल आता है, तो इसके बारे में किसी को पता नहीं था। पर आज जब लोग लगा रहे हैं इनको, जैसा खस हो गया, शमामा हो गया, मोगरा हो गया, जैस्मिन हो गया, तो लोग उसको बहुत प्रीफर करते हैं, पसंदीदा उनकी चीज़ें बन जाती हैं और ले जाते हैं जो लास्ट करता है बॉडियों पे। और ऐसी फिर क्लोन भी बनाया जाता है अदर ऑयल्स को मिक्स करके, विद सिंथेटिक केमिकल्स भी होते हैं कुछ कुछ में, लेकिन बॉडी फ्रेंडली होता है, पैरल यूज और बॉडी फ्रेंडली होता है। अच्छा, एक बात ये बताइए कि क्या आज भी जैसे काफ़ी लोग अतर या परफ्यूम या ऑयल, क्लोन ऑयल्स भी लेने आते हैं, आपको क्या लगता है कि आज भी जो इंडियन यंग जनरेशन है, मतलब जो 20, 25, 30, 35 साल के लोग हैं, क्या उनमें अतर की समझ है या उनको और ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है? सर अतर की समझ तो लोगों को ऐसा है कि सर ये क्रेविंग होती है, जैसे अवेयरनेस तो नहीं है, कुछ चीज़ें लोग सुन के पसंद नहीं कर पाते, लेकिन जब लगाते हैं तो अगले दिन वापस आते, कहते हैं वो आपने ऊँट लगाया था, वो आपने अगर ऊँट लगाया था, आपने पछोली लगाया था, खस लगाया था, घर जाके बहुत बढ़िया महक रहा था। तो ये सब देसी चीज़ें सर डेवलप होती है ग्रेजुअली आपके कपड़ों पर, विद इन हाफ एन आवर अलग, वन आवर अलग, 6 hours अलग हो जाती है। तो लेकिन जब आनंद लेना है आपको, तो एक बार लगा के उसको पूरी तरह से विश्वास कीजिए उस पर। ऐसा नहीं कि आपने जस्ट सुना और आपको थोड़ी कड़वी खट्टी लग गई तो आपने कहा ये तो बदबू मार रहा है, पर वो बदबू नहीं है सर, वो थोड़ी देर में जाके खुशबू बनने वाली, आपको खुश करने वाली। मतलब कुछ 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 समय जो है, कुछ वक्त जो है वो हमको खुशबू के साथ बिताना पड़ता है ताकि हमें उसकी समझ पूरी हो पाए। 5 मिनट में सिर्फ एक जरा सा अप्लाई करके हम नहीं समझ सकते, हमें उसके साथ कम से कम 1 दिन 2 दिन हफ्ता थोड़ा स्पेंड करना पड़ेगा सर, 2-4 घंटे ताकि आपको उसकी समझ में आएगी। जैसे ऊद होता है जी, ऊद जो है आपको बहुत अच्छा एक किस्म का वो हाई देता है, एक किस्म की हैप्पीनेस और एक सुर्ख पना देता है जी, आपको सुर्ख लगेगा, आपको बोलते हैं ना एक टेस्ट बर्ड में भी एक सुर्ख पना जाएगा, सूफी पर्सन, सूफी पर्सन लाइक उसकी फीलिंग वैसी। लेकिन आप इनिशियली सुनोगे तो आपको लेदर और स्पाइसी फील आएगी जिससे आप कंफर्टेबल नहीं होगी, तो आपको सर्दियों का सीजन चल रहा है तो आप कौन से नेचुरल अतर सजेस्ट करेंगे लोगों को? सर्दियों के हिसाब में तो सर शमामा है, ऑल ओवर इंडिया के ज्यादातर स्पाइसेस आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां पत्तियां बहुत सारी चीजें कॉम्बिनेशन है, और 50-60 वराइटीज ऑफ नेचुरल स्पाइसेस और आयुर्वेदिक चीज़ें होती है उसके अंदर, तो बहुत अच्छा बॉम, बहुत बॉम लगेगा आपको जब आप वो लगा लोगे जी। फिर आता है सर पचौली भी है, पचौली एक किस्म की सर कूलिंग नोट है पचौली की, लेकिन जब उसकी एक बॉम जो फर्स्ट फ्रेशनेस और बॉम फीलिंग आती है ना उसकी, वो अलग ही होती है, बाद में जाकर थोड़ा कूलिंग भी लगता है जी। कूलिंग लाइक मौसी और पौंड, आप किसी पौंड के किनारे पे बैठे और आपको जो सुगंध और फील आ रहा है वो पचौली में फील होता है। और ऊद भी, अगरवुड भी है, अगरवुड और बाकी हमारे मुखलत के बहुत सारे ब्रांड है सर जिसमें स्पाइसेस और फ्लोरल बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, तो वो जाके आपको बहुत अच्छा वार्म और क्लाइमेट के हिसाब से जो स्पाइसी सुगंध और लेदरी और एकदम वार्म क्लाइमेट वार्म अरोमा और सेट करके सेट कर देती है, तो वैसी चीजें भी बहुत। जैसे अभी तो जनवरी है तो अभी धीरे धीरे 2 महीने बाद गर्मियां भी शुरू हो जाएंगी, तो गर्मियों में जो गर्मियों का राजा जो है खस, तो खस की सबसे ज्यादा मतलब जो एक नेचुरल ठंडक भी करता है ऐसा कहा जाता है कि अगर खस आप लगाते हैं सर, पहले तो हो गया जो आप अपने पल्स पॉइंट या नर्व पॉइंट्स पे लगा लोगे उसको जी, और जब आप धूप में घूमोगे नॉर्थ साइड की धूप में तो खास तौर पे जहाँ पे वेदर बहुत ड्राई रहता है, तो वहाँ पे जब आपको खस की फीलिंग आएगी ना, तो जैसे मैंने ऊद में कहा कि आपकी टेस्ट बर्ड्स को भी एक अलग किस्म का तर करता है, वैसी काम खस भी करता है, आपकी टेस्ट बर्ड्स से लेकर आपकी नर्वस सिस्टम में भी अलग किस्म की रूहानियत और फ्रेशनेस देगी, फ्रेशनेस तो फ्रेशनेस वैसी होती है, ऐसी एसी वाली कूलिंग तो नहीं आने वाली आपको, हाँ। वो जो आपकी रगे तर कर देती है, खस में वैसी तासीर होती है, पचौली की भी वैसी तासीर है, पचौली भी रिफ्रेशिंग करता है, जैसे मैंने आपको बताया आप किसी पौंड या लेक के किनारे पर बैठे और जो सुगंधित मौसी उसकी फीलिंग आती है वो चीज़ की अलग ही खुशबू आती है जो पचौली में मिलेगी आपको जी। और मोगरा मोतिया हो गया, रू गुलाब हो गया, जैसे खस और रू गुलाब का कॉम्बिनेशन या खस और मोतिया का कॉम्बिनेशन सर गर्म में तो बहुत बढ़िया लगेगा आपको, बहुत ही चिली बहुत ही कूलिंग लगेगा, मोतिया और खस या खस और गुलाब का कॉम्बिनेशन बहुत चिली मरमा देता है और मूड सेट करने वाली चीज़ होती है, वैसी बताया मैंने आपकी नर्व से अंदर जाने वाली कुछ जी जी वैसी चीज़ होती है। अच्छा, काफ़ी लोगों का ये भी मानना है कि जैसे नेचुरली डिराइव जो अतर्स होते हैं
वो काफ़ी एक्सपेंसिव तो होते हैं, ये बात सही है, लेकिन अगर कोई इस शॉप में आता है तो क्या उसको हर रेंज के अतर और परफ्यूम मिल जाएंगे? सर आपको अगर नेचुरल इतर ही लगाने का शौक है, नेचुरल इतर अपने इंडियन ट्रेडिशनल कन्नौज यूपी या फिर साउथ इंडिया उड़ीसा की बनी हुई अतर, जैसे होता है केवड़ा, गुलाब, खस, हना, शमामा, ज़ाफरान और उन चीज़ों से बनी हुई मुखल्लत, तो ये चीज़ सर हमारे शॉप में आपको हर रेंज की मिल जाएगी। आपकी वी वी मेक परफ्यूम्स टू फिट एवरीवन्स पॉकेट, लाइक जो बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट होता है, रू होता है, वो तो कॉस्टली होता ही है, लेकिन उसी चीज़ को हम लोग नेचुरल चीज़ों से नेचुरल ऑयल के साथ में तोड़ के हम लोग आपको 300-400 रुपए में भी वो चीज़ अवेलेबल हो जाती है टू फिट एवरीवन्स पॉकेट। तो जो नेचुरल इतर लगाने का शौक है आपका, वो शौक आपका पूरा हो जाएगा जी। तो चाहे किसी का बजट जो भी हो, हर कोई व्यक्ति जो है वो हर प्रकार के अतर एंजॉय कर सकता है, एक समझ के हिसाब से कि अगर उसे समझना है कि खस कैसा है तो उसको हर रेंज का खस अवेलेबल है। ऊद अगर समझना है तो हर रेंज का ऊद अवेलेबल है। और अगर मान लीजिए किसी को फ्रेंच परफ्यूमरी के क्लोन्स पसंद है, मोतिया कहिए, केवड़ा कहिए, खस कहिए, ऊद कहिए, हिना, शमामा, ऑल रेंज का हम आपको अवेलेबल करा के दे सकते हैं। और जैसा फ्रेंच परफ्यूम जो हम लोग बोलते हैं हमारे इंडिया में, फ्रेंच परफ्यूम लाइक दिस वन, ये हो गया आपको आइसबर्ग, जी बैम्बू, वनीला टोबैको, लेडी ब्लू जी, ये सब सर डेली ब्रांडेड जो ब्रांडेड परफ्यूम होते हैं ना, उनका क्लोन बनाया जाता है जी। और क्लोन बहुत इजीली बन जाता है, कोई परफ्यूमर के लिए कुछ बहुत आसान होता है चीजें समझना और उसे बना लेना जी। मतलब एक प्रकार से इंस्पायर्ड परफ्यूमरी कह सकते हैं हम इसको, इंस्पायर्ड परफ्यूमरी, इट इज इंस्पायर्ड, जैसे इंस्पायर्ड बाय अवेंटस, सी अवेंटस, क्रीड अवेंटस जी। तो वो हम लोग बेच से हमारे यहाँ पे आपको 300 का मिल जाएगा, जब लॉन्च हुआ था तो 45,000 का लॉन्च हुआ था, कस्टमर फीडबैक है हमारे ड्राई डाउन आपका 98-99% क्लोज है राइट। अब आप वो चीज लगाओगे आप अल्कोहल के साथ में, थोड़ा यूनिक लगेगा, मतलब राइट हैंड डिफरेंट लगेगा, लेफ्ट हैंड आपको डिफरेंट ही लगेगा ऑलवेज जी। पर ये चीज है कि आपकी अवेंटस की अगर क्रेविंग है तो 300 में कंप्लीट करा के देने की जिम्मेदारी हमारी जी। और दूसरी बात ये, जैसे हमारा डिस्कशन हो रहा था तो आपने बताया था कि अगर आप परफ्यूम ऑयल डायरेक्टली लगाते हैं और अल्कोहल के साथ में ब्लेंड करके स्प्रे करते हैं तो उन दोनों का इफेक्ट अलग अलग होता है। उन दोनों का स्प्रे इफेक्ट अलग अलग होता है सर, यस, क्योंकि जो स्प्रे होता है अल्कोहलिक परफ्यूम होता है सर, अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल और उसका कंपोजिशन ही ऐसा होता है कि वो स्पिरिट होती है वो इवेपोरेट करती है जी। तो जब आप कपड़ों पे उसको लगा लेते हो तो चीज़ें इवेपोरेट करती है, परफ्यूम बन के इवेपोरेट होती है। और ऑयल जो होता है, ऑयल आप अपने लिए लगाते हो, आपको भी फील होगा, प्रोजेक्ट करता है, पर जो परफ्यूम वाला प्रोजेक्शन है वो नहीं दे पाता जी। लेकिन एक बात है, लास्ट परफ्यूम से ज्यादा ही करता है, करता है। आप कभी भी सूंघोगे तो आपको अपने कपड़ों से बदबू नहीं आती जी जी। और एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सारे अतर या फ्रेग्रेंस एंथुसियास्ट चाहते हैं जानना, वो है कि अतर लगाने का सही तरीका क्या है? सर इतर भी लगाने का तरीका तो यही है सर, अगर आप पल्स पॉइंट्स पे लगाते हो अपने, जैसा यहाँ हो गया पल्स पॉइंट पे आपके, ये सब यहाँ से सर हीट जनरेट होती है आपकी बॉडी पे कभी भी, तो इधर से तो बहुत ज़्यादा आपको प्रोजेक्ट करेगा जी। और अपैरल यूज़ के लिए भी बेस्ट है सर, अपैरल पे तो लगाते ही लोग, ज़्यादातर लोग अपैरल पे ही लगाते हैं, क्योंकि अपैरल थोड़ी देर में बदबू मारने लग जाता है मशीन से, पर्सपिरेशन से। बिल्कुल, तो आप पल्स पॉइंट पे लगाएंगे तो एज अ डीओ भी काम करेगा, और कपड़ों पे लगाओगे तो एज अ परफ्यूम भी काम करेगा। पल्स पॉइंट यहाँ भी हो गया, कानों के पीछे, गर्दन में, यहाँ पे, नाक पे, यहाँ पे जी। थैंक यू सो मच तौसीफ भाई, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमको। इसको डेफिनेटली हम पब्लिश करेंगे जॉय शेविंग चैनल पे और भी प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ भी पॉसिबल होगा, लेकिन आपने इतने हमको अतर के जानकारी दी, इतने सब अतर्स दिखाए और हमको अतर लेने में मदद भी की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।